उसको अलग कर दो, सिर धड़ से अलग कर दो। जो वर्ग की बात करें, अब समझिए इस सामाजिक व्यवस्था पर कितना बड़ा, और वो भी पिटिशनर है इस माननीय उच्च न्यायालय में याचिका के। इनका जन्म टिप्पण देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान एनसीईआरटी के बुक्स का इन्होंने संपादन किया है, और यह कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर उसे सर धड़े से अलग कर दिए। आपराधिक कृत करने की बात कहते हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग के विभाग में कार्यरत है। और ये जान लीजिए, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में इनको पद से हटा दिया गया था। लेकिन 56 इंच का सीना जब देश का प्रधानमंत्री बने, तो नवंबर 2014 में इनको पुनः बहाल कर दिया गया। इस बात के लिए बहाल किया गया कि सर को धड़ से अलग कर दो। भाई देश के अंदर कौन सा वातावरण बन रहा है? कोई प्राध्यापक कैसे अपनी सीमा को लांघ कर करके, जो देश के संविधान के भी दायित्व है उसके तहत अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर करके अपनी बात कह रहे हैं? और ये भारतीय जनता पार्टी से हम यह जानना चाहते हैं, आप तो कह रहे हैं कि बात को ठीक से रखे नहीं। अरे याचिका तो अपरोक्ष रूप से आपने दाखिल करवाया, क्योंकि आपके मन के अंदर यह मंशा थी कि माननीय नीतीश कुमार जी ने देश में कहा कि सामाजिक आर्थिक गणना होगी, समाज के तमाम लोगों को जो उनके जीवन के माली हालात हैं उसकी अद्यतन जानकारी लेना है। तो आपने कह दिया कि भाई मजबूती से नहीं रखा गया है, तो आपका कलम का स्याही सूख गया है। ये वकील का फौज का के लिए रखे रहते भाजपा में, क्यों नहीं इंटरवेनर बने आप हाईकोर्ट में? अगर आपको यह लगता है कि नहीं जाति गणना आवश्यक है, आपने अगर सर्वदलीय बैठक में मन से शामिल हुए, अगर आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में गए, उसके बाद यह कहा गया कि राज्य सरकार करा सकती है। और जब हमने कराना, जब यह प्रक्रिया फर्स्ट फेज का प्रारंभ शुरू हो गया ट्रेनिंग दे करके बजटीय व्यवस्था करके, तो आपने जानबूझ कर कर करके, चूंकि आपके मन के अंदर विषैला जहर है, आपने जाति व्यवस्था जैसे जो सामाजिक कुरीति है उस पर जो हम हमला करना चाहते हैं, तो आपने ऐसी संस्था का इस्तेमाल किया। यूथ फॉर इक्वलिटी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ वो याचिका दाखिल करता है, वो अपर कास्ट के आरक्षण के खिलाफ वह दाखिल करता है, अब आपके राजनीति का वह सेवा करने के लिए। तो हम जानना चाहते हैं कितना बड़ा ढोंगी है भाजपा, दोहरा चरित्र देखिए इनका। जाति की तो 2014-15 में कर्नाटक में जाति गणना कैसे होने दिया, देश के अंदर आप नहीं करा रहे हैं, और केंद्र में तो आप 2014 से लेकर आज तक सत्ता में। हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि अगर भाजपा जातीय गणना के पक्ष में है, जाति गणना के पक्ष में है, तो किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में अब तक जाति गणना क्यों नहीं करवाया गया, या किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में जाति गणना के लिए प्रयास भी नहीं किया, एक कदम आगे तक नहीं बढ़ाया। देश में राज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम देश में राज कर रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, जाति गणना कराने में लज्जा लगता है। तो जब तक जाति गणना, अभी तक तो 3 राज्यों में, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे तो आज चल रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, एक भी भाजपा शासित प्रदेश में जाति गणना के पक्ष में एक भी आवाज नहीं उठाते ये लोग। जबकि झारखंड, उड़ीसा आदि राज्यों में सरकार इस दिशा में पहल कर रही है। और अगर आप जाति गणना के पक्ष में है, तो कर्नाटक के अंदर में तो जाति गणना पूरा हो गया, अब तक उसकी रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं जारी किया? और जो आप सर मिनट है कि 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ,
उसकी रिपोर्ट आज तक जारी नहीं हुआ और हम भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना चाहते हैं। ये बेचारे तो जात रूप से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर, ये तो पेड़ के नीचे बेचारा तपस्वी लोग है, कभी नहीं बोलता है ये सब तो जात नहीं, हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। अरे किसकी ठेकेदारी कर रहे हो? ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सूची है, इसमें जाति लिखा हुआ है, जाति क्यों लिखा जाति? अगर दूसरे मामले में तुम कहते हो कि निजता का अधिकार खत्म हो रहा है तो आधार कार्ड में कैसे होता है? सारा इंफॉर्मेशन तो दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह संगठन है, देख लीजिए इसका क्या है, जाति के आधार पर सूची है इनकी, और प्रवचन देते हैं कि जातिवाद फैला रहे हैं। अरे राजीव के चंडूखाना में किसको घुमाना चाहते हैं? किसको आप घुमाना चाहते हैं? ये तो एक्सपोज है आप कि भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन का प्रारूप है और संगठन के प्रारूप में जाति लिखा हुआ है। इस नग्न सच्चाई को भारतीय जनता पार्टी कैसे कबूल करेगी? कलेजा में दम है तो बताइए ये भाजपा का है कि नहीं है। और साथ ही साथ हम यह बताना चाहते हैं आप तमाम लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में क्या बदलाव है, बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, तो जो ढोंग है भारतीय जनता पार्टी का पाखंड है। और हम तो यह जानना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इस संबंध में अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए। जो याचिका करता है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का पक्षधर है, भाजपा के नेताओं के साथ कौन है ये प्रोफेसर माखनलाल जो इस ढंग का मंतव्य दे रहा हो और एनसीईआरटी के किताब का वो संपादन कर रहा है? जिनकी नौकरी चली गई थी उसको मोदी सरकार ने वापस कराया, इनके कार्यकाल के दौरान हुआ है, और ये तमाम यूथ फॉर इक्वालिटी को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के अंदर में समाज के विभिन्न समूह को जो आरक्षण मिलता है उसके खिलाफ याचिका दाखिल करता है? आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? इसलिए हम आज के संवाददाता सम्मेलन में मेरा सीधा आरोप है, माननीय न्यायपालिका उन बिंदुओं पर विचार करेगा, वह मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर दावे के साथ कह सकते हैं कि जो दस्तावेज हमारे पार्टी के प्रवक्तागण ने दिखाया और जो फोटोग्राफ सबने दिखाया है, जो उनके कृत्य का इतिहास दिखाया है, ऐ भारतीय जनता पार्टी बिहार के नेताओं, अगर बिहार के समाज के गरीब तबके हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब सामान्य समुदाय के लोग हो, इन लोगों को जो संविधान के तहत जो आरक्षण मिला हुआ, जो सुविधा मिली हुई है, आपके दल के राजनीति में एक दूसरे के पोषक हाईकोर्ट में जाकर के जाति गणना रोकने का घृणित प्रयास कर रहे हैं, और इस साजिश में भारतीय जनता पार्टी शामिल है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परसों कहा था कि पर्दे के पीछे लोग हैं, तो हम लोग का दायित्व तो है पर्दा को हटा देना। पार्टी के प्रवक्ता ने आज पर्दा हटा करके राजनीति में इस बात को दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी जाति गणना पर दोहरे चरित्र के लिए और बिहार के गांव के खेत खलिहान में जाकर ये दस्तावेज दिखाएंगे और कहेंगे यही भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान के द्वारा दिए गए आरक्षण के खिलाफ आचरण करती है। इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा इस बात को कहते हैं, ये वैसे लोग हैं जिनको देश की आजादी की लड़ाई मैंने अब हम लोग को समझ में आ रहा है। अरे तो संविधानों को नहीं मानने वाला तो संविधान के भी दायित्व के खिलाफ ही आचरण करता है, यही हम लोग अपनी बात कहनी थी। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज़।